गाइस, तो आज का ब्लॉग ये देखिए, एलएपी बीच। एलएपी का बहुत ही फेमस बीच, खास बीच बोल सकते हैं, मेन बीच है ये एलएपी का। और हमारे यहाँ से धनबाद एलएपी जो ट्रेन आती है वो जस्ट यहाँ तक आती है। ये रहा रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के जस्ट राइट साइड में ये एलएपी बीच है। ये देखिए, मैडम सेल्फी ले रही है एलएपी बीच का, मज़ा ले रही है कॉर्नर स्टाइल में। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। ये देखिए, इधर एक्वेरियम लगा रखा है मछली का। अभी कोई खास भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, तो बहुत कम लोग यहाँ अभी आए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, शाम तक यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अभी छोटे छोटे स्टोर लगे हुए हैं यहाँ पर चारों तरफ, आइसक्रीम और कुछ स्नैक्स वगैरह बिकते हैं। साइड साइड में दुकानें लगा रखे हैं लोग। ऐसे साफ सुथरा बीच है, कोई खास खराब नहीं बोल सकते इसको, बहुत अच्छा बीच है। ये देखिए, मैडम समुद्र का आनंद लेते हुए बोर हो रही हैं लग रहा है। ओह हो, हाई कर रही हैं मैडम, देख लीजिए, बीच का मज़ा लेने आई हैं मैडम, शायद साउथ अफ्रीका से आई हैं। हेलो मैम, वेर आर यू फ्रॉम? युगांडा। वेर आर यू गोइंग मैम? हाउ आर यू फील इन दिस बीच? Why different between Kochi beach and Alleppey beach? What different between Thasmin beach? That's why nothing. How is feeling? Yeah, climate. I like sea much, very much. I like sea. I can see nearby the sea. 2 hours, 3 hours, 5 hours without this feeling. So anywhere you see something, I ever like that. That's why. That means, क्या आपने जेसीबी का खुदाई देखा है? This is a JCB. Basically, this is Jharkhand and coal field area. So I know very well about this. Mostly, ये coal mines, road area, and leveling place. But I don't know कि ये इसका यूज यहाँ क्या है। तो या बिकॉज इन दिस एक्वेरियम सम प्लेस इज डिगिंग और यस आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। क्योंकि खूबसूरती के हिसाब से और प्रकृति के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, तो बने रहिए। ये है एलएपी बीच अगेन, और ये दूर दूर तक समुद्र, जहाँ तक जाइए समुद्र से।